आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, आपको मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे घर छोड़कर। तैमूर, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। जी। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिन नसीब अहमद के साथ बाएवज हक मेहर 50,000 रुपये से कराजल वक्त किया जा रहा है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, अपनी औकात मत भूल जाना। और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, उसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात मत भूलना, तैमूर तुम्हें बीवी की हैसियत कभी भी नहीं देगा। तुमसे निकाह भी सिर्फ मेरी वजह से किया है। मैंने भी तैमूर से कह दिया, तलाक के पेपर्स बनवाओ, इसके मुंह पे मारो और चलता करो इसे। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या करोगे तुम? क्या मतलब भाई? इसके बाद तुम तैमूर के लिए उसकी झोटी हुई लड़की तो लाओगी ना? बहुत भोली हो किंजा तुम। देखो, तैमूर की तो तुम्हें शादी कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, और यकीनन खानदान भी तुम देखभाल कर टक्कर का ही लोगे। तुम क्या समझती हो, आने वाली अमीर जाती क्या वो एक दिन भी तुमसे दबकर रहेगी? अरे वो तो आते ही तैमूर को अपने काबू में कर लेगी, फिर वो अलग घर का और अलग कारोबार का मुतालबा भी करेगी। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हें ये मिस्कीन और गरीब रिश्तेदार टाइप की देवरानी मिल गई जो तुमसे दबकर भी रहेगी और खुल्लम खुल्ला तैमूर को अपने काबू में भी नहीं कर सकेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जब चाहे इस पर सख्ती करो और जब चाहे इस पर एहसान जताओ, और अपने देवर को भी कंट्रोल में रख सकोगी। लो भाई, हो गई छुट्टी, आपका देवर तो गया आपके हाथों से। आप तैमूर की शादी इस गरीब यतीम लड़की से इसीलिए करवा कर लाई थी ना कि आपको देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए थी। बाजी तो उलट गई,
फलक जीत गई और आप हार गई, है ना? दोपहर में मैं सामान वगैरह लेने गई थी, उस वक्त तक तो कमरे में ही थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ गई है। गई तो है लेकिन बताकर नहीं गई, तो बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। कुछ सामान भी था उसके हाथ में, मैंने पूछा भी लेकिन जवाब नहीं दिया पलक ने मुझे। जी वो सामान से याद आया कि दोपहर में वो अपनी अलमारी में से कपड़े और दूसरी चीज़ें निकाल कर बैठी हुई थी, मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि ठीक कर कर रख रही हैं। पर वो सामान क्यों लेकर गई होंगी? तैमूर, झगड़ा हुआ है तुम्हारा फलक से? जा सकती है, गई होगी अपनी नसरीन खाला के घर। सुबह वाली बात को लेकर हो गई होगी नाराज तुमसे, नखरे दिखा रही है, और कुछ तो आता नहीं है उसे। खैर जाओ मना कर लाओ उसे, मैं ही पीछे हट जाती हूँ अपनी बात से, और क्या कर सकती हूँ, जाओ। मस हो गई है। सुहेल आप कहाँ हैं? जहाँ पे भी है ना मुझे लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ, फिर रात का डिनर साथ करते हैं।